अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल कुक विद आफरीन। आज हम बना रहे हैं मटन कीमा विद चिकन। मटन कीमा कई तरीकों से बनाया जा सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज जो है मटन का कीमा मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। बोनलेस चिकन ऐड की है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट है और सबसे अच्छी बात बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसलिए हमेशा कहती हूँ कुछ नया ट्राई करें, कुछ डिफरेंट ट्राई करें, आपको आपके घर वालों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आज बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मटन का कीमा, आधा किलो मटन का कीमा है, इधर है बोनलेस चिकन, इसे मैंने क्लीन करके वॉश कर लिया है और इस तरह के 1 इंच के क्यूब्स कट कर लिए हैं। इस कीमे के साथ मैं चिकन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम्स तक बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं। इधर है मेरे पास चॉप्ड प्याज, 1 कप बिल्कुल फाइनली प्याज को चॉप कर लिया है। साबुत गरम मसाले में डालेंगे 1 तेज़पत्ता। इधर है ये दालचीनी का स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी वाली इलायची यानी हरी इलायची और 4-5 लौंग, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। यह है कोरमा मसाला। होममेड कोरमा मसाला की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिस तरह पैकेट्स में आपको कोरमा मसाला मिलता है, बिल्कुल वही टेस्ट, कलर और फ्लेवर का ये कोरमा मसाला बनता है। आप इस मसाले को बना के आसानी से स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। तो आज इस कीमे में ऐड कर रही हूँ। इस कोरमा मसाले से मैंने चिकन कोरमा कबाब और सूखा चिकन विद अ ट्विस्ट, ये भी दोनों चीज़ें बनाई हैं, बहुत ही डिफरेंट बनती है, मज़े की बनती है। उन दोनों रेसिपीज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो होममेड कोरमा मसाला 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, यह है टोमेटो पेस्ट, यह आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाता है। आज मैं रेडीमेड वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को वॉश करें, क्लीन करके वॉश कर लें, स्लाइस कर लें और मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लें बिना पानी के। जब वो ग्राइंड हो जाएगा तो किसी भी छन्नी पे डाल के छान लें, छन्नी पे जो है बीन्स वगैरह छिलका वगैरह रह जाएगा और जो नीचे थिक बच जाएगा आपका टोमेटो पेस्ट, आप वो ऐड कर सकते हैं। पर आज मैं रेडीमेड वाला ही यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, यह है चिली गार्लिक सॉस, आपको आसानी से बॉटल्स में मिल जाती है, 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। आपको लग रहा होगा कीमा है, कोरमा मसाला भी ऐड कर रहे हैं, चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर रहे हैं, तो इस रेसिपी को, इस कीमे को मैं कई बार बना चुकी हूँ, बहुत ही डिफरेंट लगता है, मज़े का बनता है, यूनिक रेसिपी है। तो अगर आप इस तरह की वेरिएशंस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरह की ये डिशेज बनती है, रेसिपीज टेस्ट करती है। तो इस तरह के वेरिएशंस आप भी ज़रूर करके देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। तो 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस भर के ऐड करेंगे, बाकी की जो गार्निशिंग की चीज़ें हैं मैं लास्ट में एंड में दिखाऊंगी। पॉट में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल थोड़ा कम क्वांटिटी रखी है, लास्ट में हमें इसमें बटर भी ऐड करना है। तेल को गरम कर लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले, हल्का सा इसे क्रैकल कर लेते हैं और इसी गरम तेल में हम डालेंगे ये चॉप्ड प्याज, प्याज को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, ज्यादा कलर नहीं देना है, गोल्डन नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी प्याज को सॉफ्ट कर लेना है, फ्लेम मीडियम ही रखी है, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, 5 से 8 मिनट लगे हैं, आप देख सकते हैं कोई कलर नहीं दिया है, कोई ब्राउन नहीं किया है, पर प्याज जो है कच्ची भी नहीं रहना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। 5 से 8 मिनट लगे हैं इसे इस तरह फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम इसके सारे मसाले भी डालते चले जाएंगे,
लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और साथ ही डाल देंगे ये कोरमा मसाला। सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि जो अदरक लहसुन डाला है बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसका जो एक कच्चापन रहता है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाना चाहिए। तो एक मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया है, फ्लेम मीडियम ही रखी है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, और इस कीमे के साथ हम सारे मसाले जो है स्पाइसेस को फ्राई करेंगे ताकि मसाले जो है कीमे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो बिल्कुल अच्छी तरह सारी चीजों को, सारे मसालों को कीमे के साथ मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे भून लेते हैं 5 मिनट के लिए। कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया है 5 मिनट के लिए मसालों के साथ में। आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे आ गया है, इसी से पता चलता है कि मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये टोमेटो पेस्ट, साथ ही डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। मिक्स कर लेते हैं ताकि ये दोनों जो अब चीजें डाली है कीमे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। और इसी स्टेज पे हम ऐड कर रहे हैं ये बोनलेस चिकन, ताकि सारे मसालों के साथ, सारे चीजों के साथ ये चिकन भी हल्की सी फ्राई हो जाए। तो फिर से जो है इसे बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो 5 मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर लेते हैं। चिकन डालने के बाद भी अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल सरफेस पे आ गया है, तो सब चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई है और चिकन भी जो है हल्की सी फ्राई हो गई है कीमा और सारे मसालों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जिस बोल में मैंने टोमेटो पेस्ट लिया था उसी में मैंने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, कीमा भी है, तो बस इतना ही पानी डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को जो है लो टू मीडियम कर लेते हैं ताकि कीमा और चिकन दोनों भी बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। तो कवर करेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे कुक करते हैं। 8 से 10 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे। कीमा और चिकन कम्प्लीटली दोनों चीजें कुक्ड हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल भी सरफेस पे आ गया है, तो कम्प्लीटली डन है। पर जैसे मैंने बताया था लास्ट में हम गार्निशिंग की कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। इसमें डालेंगे मक्खन 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर, और साथ ही डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम। टेट्रापैक वाली क्रीम है, आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाती है। 2 टेबलस्पून हल्का सा मिक्स कर लेते हैं ताकि बटर भी मेल्ट हो जाए और क्रीम के साथ सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, बटर भी मेल्ट हो गया है, कंप्लीटली डन है। तो लास्ट में इसे हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे इस तरह। डन है, मिक्स कर ले और बस इसे गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं। मटन कीमा विद चिकन को सर्व कर लिया है। इसे आप पराठे या नान के साथ सर्व करें, जरूर ट्राई करें, आपको ये जरूर अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।